से धरा ने भोजन कराया। अब जब भगवान भोजन करके फुर्सत हुए तो भगवान ने धरा से कहा, देवी अब बताओ ना ये तुम्हारे रक्त क्यों निकल रहा है। तब धरा ने रो करके जवाब दिया, नाथ मेरे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, मैं साहूकार से अनाज लेने के लिए गई तो साहूकार ने मेरे स्तन मांगे तो मैं अपने दोनों स्तन साहूकार को दे आई हूँ अनाज के लिए। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने जवाब दिया, वाह तारा आज तुमने बता दिया है कि तुम वास्तव में मेरी बड़ी बड़ी भक्त हो, आज तुमने अपनी भक्ति का प्रमाण दे दिया। धरा आज तुमने मेरे खाते अपने दोनों स्तनों को दान किया है तो जाओ मैं भी तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा द्वापर युग में तब तुम यशोदा वन के आओगी और तुम्हारे इन्हीं स्तनों का मैं पान करूंगा करके द्वापर युग में। तो इसीलिए मेरी माँ भगवान कन्हैया ने धरा के यानी यशोदा के पास में आए और यशोदा के पास में आकर के प्रभु ने यशोदा का स्तनपान किया और यशोदा के यहाँ पर बेटा बन करके रहे और रह करके अनेकों लीलाएं की। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज भैंस ये छड़ी के बनिता ने जवाब दिया कि जो सूर्य भगवान के अश्व हैं यानी घोड़े, जो सूर्य भगवान के घोड़े हैं वो सफेद हैं। और कद्रू ने कहा कि सूर्य भगवान के जो अश्व हैं वो काले हैं। तो महाराज सूर्य भगवान के अश्वों को लेकर के बनिता में और कद्रू में बैस चढ़ गए और दादा जब बैस छड़ी तो बनिता ने कद्रू से कहा कि हे कद्रू अगर तू कह रही है कि सूर्य देव के घोड़े काले हैं तो सुन, अगर मेरी बात सही निकल गई तो सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं और अगर सूर्य भगवान के घोड़े काले नहीं सफेद हुए तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मेरी जिंदगी भर सेवा करनी पड़ेगी। ये बात किसने कही? बनिता ने कही कद्रू से कि अगर सूर्य देव के घोड़े सफेद निकल आए तो फिर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो कद्रू ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है अगर सूर्य भगवान के घोड़े सफेद निकल आए तो मैं और मेरे पुत्र जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेंगे। कद्रू ने स्वीकार कर लिया। अब कद्रू ने यही बात बताई अपने पुत्रों को नागों को कि सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। तो नागों ने कहा मैया तुम चिंता ना करो, अगर सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं तो मैं सभी भाई इकट्ठे होकर के जाएंगे और सूर्य देव के घोड़े में लिपट जाएंगे तो वो काले हो जाएंगे। हम लोग लिपट जाएंगे तो वो जो सफेद भी होंगे वो भी काले हो जाएंगे। ये बात सुन ली बनिता ने। बनिता ने अपने पुत्र अरुण और गरुड़ को बात बताई के कद्रू तो चाल चल रही है। तो उसी दिन से महाराज जब कद्रू ने चाल चली तो चलने के बाद में अरुण गरुड़ में और नांगों में महाराज दोनों में द्वेष हो गया, दोनों का बैर हो गया। वो बोला तुम मेरी मैया को फेल कर रहे हो, वो बोले तुम मेरी मैया को फेल कर रहे हो। हाँ, तो दोनों में नागों में और अरुण गरुड़ में बैर छिड़ गया। इसी के कारण कहा जाता है, बताया जाता है कि नागों में और गरुड़ देव का इनका बैर चलता आता है। गोविंद भगवान की। आइए ताली बजाकर बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद बड़ी ही सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। हर कोई हम दर्द तुम सा नहीं है।
कर हरी लाल की जय जय श्री राधे।